सो हे गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी ब्लॉग्स अपने चैनल पे जो आज ब्लॉग अपलोड किए थे, तो इस ब्लॉग में सौरभ जोशी ने बताया कि उनकी तरफ से जो म्यूजिक वीडियो आने वाला है, पर ये म्यूजिक वीडियो जो उनके चैनल पे नहीं आएगा, किसी और चैनल पे आएगा। तो आप लोग भी देखिए सौरभ जोशी के ब्लॉग्स में छोटा सा वीडियो क्लिप। और आज एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आपको बताता हूँ, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए कि मेरा आ रहा है एक म्यूजिक वीडियो। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो म्यूजिक वीडियो का शूट है कल परसों है, तो उसके लिए हमको जाना है। उसके लिए आज हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, कपड़े वगैरह कुछ ले लेंगे। मतलब म्यूजिक वीडियो में सिर्फ मेरा रोल है, एक्टिंग है, बाकी और कुछ नहीं है। गाना वाना हमारा नहीं है, आएगा भी किसी और चैनल पे, बट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार। म्यूजिक वीडियो मिल रहा है, एक बहुत पॉपुलर सिंगर का गाना मिल रहा है मुझे, जो कि आपको चल जाएगा पता आने वाले व्लॉग्स में। शूटिंग वगैरह सब दिखाएंगे आपको, कैसी होती है शूटिंग, सब कुछ कहाँ पे होती है वो भी। हम कल निकलेंगे शूटिंग के लिए, जहाँ पे शूटिंग है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कहाँ जाएंगे, वो आपको कल ही चलेगा पता। तो आप नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, अभी फिलहाल चलते हैं हिसार। तो मम्मी जी कैसा लग रहा है आपके बेटे का म्यूजिक वीडियो आएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे प्लान है मेरा कि हमारे पूरी फैमिली का एक म्यूजिक वीडियो में बनाऊं मेरी लाइफ के ऊपर, तो वो भी प्लान कर रहे हैं। बाकी जो ये है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा चिल है और ये थोड़ा फन टाइप का वीडियो है। और म्यूजिक वीडियो के बारे में बात हो रही, तो बात करेंगे फुकरा इंसान के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा फुकरा इंसान का जो सॉन्ग आने वाला था फ्लाई हाई, ये भी वीडियो आउट हो चुका है। अगर आप लोग सुना रहेगा तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन, आप लोग जगह वहाँ चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो को जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो कि 6 घंटे में 1.2 मिलियन लाइक्स हो चुके, ट्रेंडिंग नंबर 14 पे चल रहा है और 3 लाख के आसपास जो लाइक भी कंप्लीट हो चुके। तो ये बात करेंगे मुंबई के निखिल के बारे में। तो मुंबई के निखिल ने जो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला और उसमें ये लिखा था कि जिंदगी भी एक चीज बहुत लेट सिखाती है, पहले करके दिखाओ फिर उस पर कॉमेंट पास करो। तो आप लोग की स्टोरी देख के क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो ये बात करेंगे लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ने जो अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो निकाला है डार्क वेब को लेके, आप लोगों को पता रहेगा कि डार्क वेब क्या है। तो वीडियो का टाइटल कुछ है आई ब्रॉट अ मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम डार्क वेब। और लक्ष्य चौधरी ने जो इस वीडियो में बात की HPZ अरीना YouTube चैनल के बारे में, क्योंकि आप लोग इस चैनल पे जाओगे तो आप लोगों को जो इसी रिलेटेड वीडियो मिलेगा डार्क वेब को लेके। तो अगर आप लोग लक्ष्य चौधरी का वीडियो देखना रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन। तो ये बात करेंगे फ्लाइंग बिस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बिस्ट ने जो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला जहां पर उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया उनके सब्सक्राइबर से, जैसे आप लोगों को पता रहेगा फ्लाइंग बिस्ट जो अपने पुराने वाले घर पे गए दिल्ली वाले, तो वहां पर जो काफी उनके सब्सक्राइबर जो उनको मिलने वगैरह जा रहे कैमरा लेके वीडियो वगैरह शूट कर रहे। तो इस चीज को लेके फ्लाइंग बिस्ट ने अपने स्टोरी में क्या कहा, आप लोग भी देखिए। हे गाइस, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज, और काफी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली वाले घर पे काफी लोग आ रहे हैं, फैमिली है, छोटी बच्ची है, कभी कभी हम लोग अंदर कमरे में होते हैं, बच्ची गर्मी का टाइम है, कभी शी इज़ नॉट वेयरिंग द एंटायर क्लोथ्स, सो शी इज़ रोमिंग अराउंड। तो बहुत लोग कैमरा लेके वो सी थ्रू डोर है हमारा, कल शूट करके भी चले गए थे, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप घर मत आइए, बाकी आपका जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत ही सराहनीय है, बट एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, आपकी भी फैमिली है हमारी भी फैमिली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बात मान जाओ प्लीज़। तो ये बात करेंगे आशीष चंचलानी के बारे में। तो आप लोगों को बता रहेगा आशीष चंचलानी का जो रिसेंटली वीडियो आया था OTV द लॉटरी, तो इस वीडियो को जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन ये वीडियो सडनली YouTube ट्रेंडिंग पेज से गायब हो गया। और इस चीज को लेकर आशीष चंचलानी ट्वीट करते हुए कुछ ये कहे, हेलो YouTube इंडिया, YouTube क्रिएटर इंडिया, माय रिसेंटली वीडियो OTV द लॉटरी सडनली डिसअपीयर फ्रॉम द ट्रेंडिंग पेज, वेल ड्रॉप डाउन द लिस्ट इन ट्रेंडिंग इज अंडरस्टैंडेबल, बट सडनली डिसअपीयरिंग फ्रॉम द लिस्ट इज रियली फ्लैशी एंड वियर्ड। और इस चीज को लेकर आशीष चंचलानी अपनी स्टोरी में क्या कहे, आप लोग भी देखिए। OTV द लॉटरी सडनली ट्रेंडिंग पेज से गुम हो गया, टॉप 1 पे ट्रेंड कर रहे थे हम लोग 2 दिन, एंड सडनली एकदम गायब, पता नहीं क्या हुआ, इसकी वजह से व्यूज अफेक्ट हो गए, अर्निंग्स अफेक्ट हो गई। बट अब मैं क्या बोल सकता हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी चलेगा, एंड चल गया। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव ऑन OTP द लॉटरी।